सबसे पहले जेके न्यूज की ओर से आपको शुभकामनाएं बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? अब बहुत बड़ा पद आपको मिला है कैबिनेट का, हालांकि आप पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन अब जो है तो बदली हुई परिस्थितियां हैं, तो कोरोना का काल है। देखिए, समस्या तो कोरोना का ही है और कोरोना के लिए पूरे मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनमें प्रयास कर रहे हैं। हमारी मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता अनूपपुर जिले का विकास होगा। अनूपपुर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मैं सबसे पहले इन तीनों विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करूंगा। इसके बाद पूरे प्रदेश के मैं मंत्री हो गया तो मेरी प्राथमिकता पूरे प्रदेश का विकास है, पर अनूपपुर को मैं पहले विकास के लिए आगे लाने का प्रयास करूंगा। आदिवासी एरिया आपके क्षेत्र में ज्यादा है और उन्हीं को लेकर के आपने बहुत काम भी किया, लगातार करते भी रहे, अब और आदिवासियों के उत्थान के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश में ये बात सही है कि 1,53,00,000 आदिवासी हैं और जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं करीब 69 ब्लॉक हैं। उन ब्लॉकों में जो भी आदिवासियों की समस्या होगा, पहले भी मैं उसके लिए लड़ाई लड़ता रहा, उनको आगे लाने का प्रयास किया। अब मंत्री के बनने के बाद उनको आगे लाने का पूरा प्रयास करूंगा। सर, कुछ समय पश्चात चुनाव है, उसके लिए लेकर के क्या तैयारी? देखिए, हमारे यहाँ शहडोल जिला था पहले, अब उमरिया अनूपपुर साथ 3 जिले हो गए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, तीनों जिला के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, तीनों जिले के अध्यक्ष हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उमरिया के, शहडोल के, अनूपपुर के, और साथ ही कांग्रेस के भी पदाधिकारी हैं। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक हो गया है वहाँ पर, इसलिए वहाँ कांग्रेस वालों को कैंडिडेट आज तक नहीं मिल रहे, ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ ये चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और हमारे जवाब लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, इनकी संगठन गांव-गांव तक है, बूथ स्तर पर है। तो ये सब अभी 15-20 दिन से लग गए हैं कि चुनाव किस ढंग से लड़ा जाए, वो तो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं कांग्रेस वाले, अभी चुनाव का उनका तैयारी नहीं। अब पता नहीं कहे, चुनाव के समय शायद 2-4 महीना, 1-आध महीना बचेगा तो कैंडिडेट ढूंढेंगे, नहीं तो किसी को ही पकड़ के खड़ा कर देंगे, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं। सर, शिवराज जी ने आपको कैबिनेट में लिया, आप कौन से विभाग की उम्मीद है? क्योंकि ऊर्जा में भी आप काम कर चुके हैं, अन्य विभाग भी आप। आज दिल्ली के तमाम राष्ट्रीय नेता वहाँ पे बैठे थे, आदरणीय सास बुद्धे जी भी थे, फग्गन जी कुलस्ते भी थे, हमारे पटेल जी थे सांसद, आदरणीय शर्मा जी भी थे, कैलाश विजयवर्गीय भी थे और प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्री जी थे, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम नेता दिल्ली से भी आए हुए थे। और उन लोगों का ये प्रयास है